बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सर कुछ कहेंगे? सर लालू जी से मुलाकात, नए वर्ष की शुभकामना। कुछ कहेंगे लालू जी से मिले? पूरे नए वर्ष की शुभकामना। सियासी बातचीत नहीं हुई है? कोई सियासी बात नहीं है, नए वर्ष की शुभकामना आप लोगों को भी और पूरे महागठबंधन। ठीक है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमराज चौधरी ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो और परिवार बचाओ यात्रा है। अगर कांग्रेस भारत को जोड़ना चाहती तो कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कांग्रेस को होना चाहिए था। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अखंड भारत का सपना सच करना चाहते हैं तो उसमें पीओके को जोड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए था। देखिए, भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है, यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे, तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी तो भारत को जोड़ने की बात करेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, इसको लेकर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने ये सब फालतू बात कही है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं है और इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। नीतीश कुमार ने भी बिहार से बैठकों की शुरुआत की है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई इधर उधर जाने की बात नहीं है। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान पर अजीत शर्मा ने कहा कि किसी भी देवी देवताओं को लेकर गलत बयान नहीं देना चाहिए, हम लोग सभी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, क्या ये सब बात करते हैं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, उन्होंने ही शुरुआत किया था बिहार से बैठकों का, इसलिए ये सब चर्चा हवा में है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पर कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया था कहीं ना कहीं उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग, आपको पता है इंडिया गठबंधन जितने दल हैं सभी लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। आपको कोई भी जो कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, कहीं कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर, राजद के एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने फिर से देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक बात कही है सरस्वती के बारे में। नहीं, किसी भी देवी देवताओं के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग सब सम्मानित हैं और उनको हम लोग मान के चलते हैं और सभी के लिए, कोई देवी देवताओं सबके लिए बराबर है। नीतीश कुमार का बैठक हुआ, उसमें चर्चाएं बंद कमरे में ये हुई कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, जेडीयू के कार्यों को प्रचार प्रसार नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सब लोग मिलजुल के प्रचार करते हैं, जो भी गठबंधन में रहेगा एक दूसरे को मदद करेगा, ये विश्वास रखिए, कोई चर्चा जो है वो गलत है। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, ये मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं, चूंकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान बचाने के लिए उनको हम लोग के साथ रहना चाहिए। नीतीश कुमार नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज क्यों होंगे, वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बिहार में मुख्यमंत्री इतने वर्षों से रहे, विकास कर रहे हैं, तो क्यों नाराज रहेंगे वो। इंडिया गठबंधन से नाखुश है? नहीं, कोई नाखुश नहीं, बैनर बनाया गया है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए। नहीं नहीं, कोई नाखुश नहीं है, वक्त आएगा आप लोगों सब। तो पटना के नवीन सिन्हा पार्क में पूर्व विधायक नवीन सिन्हा की पुण्यतिथि पर नवीन सिन्हा पार्क में पहुंचे सांसद अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग अपनी दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण कर सनातन धर्म की स्थापना के लिए, राम राज्य के पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े। अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू ने नीतीश का उन्हीं के डॉक्टर से यानी ललन सिंह से पेट में दांत का इलाज करवा दिया।
नीतीश जी को सलाह देते हैं, भाई लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हो, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए